देश में नई शिक्षा नीति के तहत कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खबरों की माने तो स्कूल में पढ़ाई के घंटों को कम करने के साथ साथ नो बैग पॉलिसी को भी लाया जा सकता है, यानी अब बच्चों को मिलेगी अपने भारी भरकम बैग से छुट्टी। दरअसल भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP के तहत कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इस नई शिक्षा नीति को योगी सरकार लागू कर सकती है। इसके मुताबिक अब यूपी में पढ़ाई के घंटों को कम करने की तैयारी की जा रही है, साथ ही राज्यों के स्कूलों के शेड्यूल को भी चेंज किया जा सकता है। खबरों की माने तो अब स्कूलों में एक सप्ताह में सिर्फ 29 घंटे की पढ़ाई होगी, साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे के बीच ही क्लासेस को चलाया जाएगा। इसके साथ ही महीने के 2 शनिवार को छुट्टी तो वहीं 2 शनिवार को स्कूल खुलेगा। कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग को नया मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत यूपी के स्कूलों में पढ़ाई के लिए नए समय सीमा को निर्धारित किया गया है। खबरों की माने तो सरकार ने शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के तहत स्कूलों में पढ़ाई के लिए नए नियम तैयार करने के आदेश दिए हैं। स्कूलों में कक्षाओं के लिए अधिकतम समय सीमा भी तय की जा चुकी है। नए नियमों के परिपालन के आधार पर कक्षाओं का ड्यूरेशन 35 मिनट का होगा। वहीं मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस जैसे जरूरी सब्जेक्ट की अवधि 40 से 50 मिनट होगी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत साल में अलग अलग तारीखों में कुल 10 दिनों तक छात्रों को बिना स्कूल बैग के आने की छूट मिलेगी, जिससे उनके कंधों का बोझ भी हल्का हो सकेगा। इस नए मैनुअल से छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलने, रिक्रिएशन करने और अपने रुचि के अनुसार किसी भी काम में इंटरेस्ट लेने का मौका मिलेगा, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद ज़रूरी माना जाता है। माना जा रहा है कि इससे बच्चों की सामाजिक और आध्यात्मिक विकास में भी सुधार होगा। इसके साथ कवायद ये है कि बच्चों की तादाद स्कूल में बढ़े, जिससे राज्य की लिटरेसी दर यानी साक्षरता दर को भी बेहतर किया जा सके।